सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिन दहाड़े एक ऐसा पार्क, ऐसा पौश इलाका जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं, वहां पर किसी की ऐसी मंशा और दरिंदगी आप देखिए कि दिन दहाड़े रॉड से उसको पीट पीट कर मार दिया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं, बगल में अरविंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। जो जिसके ऊपर हत्या का आरोप है उस लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है और ये बताया जा रहा है कि लड़की ने शादी करने से मना किया था इसलिए उसने हत्या की है। और ये सारी बातचीत पुलिस और उस मुजरिम के बीच में हुई है। उसने आरोपी ने खुद पुलिस को बताया है कि मैंने इसलिए हत्या की क्योंकि वो शादी करने से मना कर रही थी। तो फिलहाल हम उसी पार्क के अंदर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए, अमूमन ये होता है कि पार्क में दिन के समय में भी लोग होते हैं लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस पूरे पार्क को खाली कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है या फिर जो आसपास जो शिवालिक कॉलोनी है वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो यहाँ पर फिलहाल होते हुए अपने घर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं जो स्कूल से लौट रहे हैं, तो यहाँ पर काफी चहल पहल होती है। और जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि दिन दहाड़े 12:08 पर पुलिस को कॉल मिली कि एक लड़की को मारकर फेंक दिया गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिन दहाड़े एक ऐसा पार्क, ऐसा पौश इलाका जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं, वहां पर किसी की ऐसी मंशा और दरिंदगी आप देखिए कि दिन दहाड़े रॉड से उसको पीट पीट कर मार दिया। लेकिन पुलिस की अब जांच में पता लगेगा कि कब से वो लोग रिश्ते में थे, लड़की या वन साइडेड था, दोनों तरफ से रिश्ता था, तमाम तरीके के सवाल हैं और इसके ये सारे सवालों के जवाब अब पुलिस को दे रहे हैं क्योंकि अब पुलिस के ऊपर भी ये सवाल उठ रहा है कि कल दिल्ली में एक पहले हत्या हुई जहां पर एक 25 साल के लड़के ने एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी को गोली मार के हत्या कर दी और अब आज दिन में 12 बजे अब एक बार फिर से एक छात्रा की हत्या कर दी है। तो तमाम सवाल हैं, उनके जवाब पुलिस देगी और लगता है कि जैसा पुलिस कह रही है कि हम आरोपी को पकड़ेंगे तो पुलिस ने हत्या के तकरीबन 1.5 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ भी लिया है। इसमें दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि लड़के ने सरेंडर किया है। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस को करनी है लेकिन आसपास लोग ये कह रहे हैं कि लड़के ने सरेंडर भी किया है।